तो केक काटते ही बाहर आए और नंबर वन वर्ल्ड कप तबाह बर्बाद ना हो जाए, बाबर को वीजा चाहिए। और फिर ये कि यार हसन अली भी आ रहा है यार, ससुराल है उसका, ससुराल है, कैसी हरकतें कर रहे हो यार ये तुम लोग, वीजा दो भाभी का महका है। नहीं वीजा दो यार, नहीं जैसा रोका कौन, आप ही कह रहे थे शुरू में, तो मैंने कहा जैसा से मुखातिब हो जाए, एशिया कप में बारिश हो, कौन दे रहा वीजा, जैसा का नाम आ रहा है तो गंभीर तो नहीं दे रहा होगा बेचारा, गंभीर तो चाह रहा है कि बाबर जो है उड़ के पहुंच जाए, कोई उड़न तस्तरी उड़न खटोले पे बिठा ले उसको। आईसीसी जीरो है, बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है, पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता जिसकी है, जिस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं, सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। बांग्लादेश के एक जर्नलिस्ट ने पिछले दिनों ट्वीट किया था, सैफ अहमद उनका नाम है, बड़े फेमस वहां के जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा कि मैं जब ढाका में इंडियन हाई कमीशन गया, उन्होंने कहा कि आपको 45 डेज के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए तो अभी तक पॉलिसी नहीं आई, जो मेंबर एग्रीमेंट है जो आईसीसी और पीसीबी के दरमियान, उसके तहत तो पाकिस्तानी तमाशाइयों ने भी जाना है, पाकिस्तानी जर्नलिस्टों भी जाना है, लेकिन दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया में जो पाकिस्तानी टीम को वीजा नहीं मिल पा रहा है, उससे पाकिस्तानी मीडिया कितनी भड़की हुई है और पाकिस्तानी मीडिया कैसे बात कर रही है कि हमारे खिलाड़ियों को वीजा नहीं देके इंडिया हमारी बेइज्जती कर रहा है और इंडिया को ये गलत करना नहीं चाहिए। पर पाकिस्तानी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर इतनी देरी से अपना स्क्वाड करेंगे अलाउंस तो पर जो प्लेयर है उसका वीजा बनाने में टाइम तो लगेगा, तो अभी एक से दो दिन पहले ही उनका पूरी स्क्वाड आई है, तो बीसीसीआई ने तो कहा था कि जितनी जल्दी स्क्वाड आएगी तो हर टीम के प्लेयरों का वीजा इशू हो चुका है, तो पाकिस्तानी टीम ने खुद स्क्वाड देने में लेट किया है तो वीजा भी बनने में लेट ही होगा। तो इतने इन जाहिलों को कहाँ समझ है, ये तो सिर्फ यही समझते हैं कि दुश्मनी हमसे है तभी इंडिया ये गलती करता है, पर इंडिया इतनी छुछोरी हरकत नहीं कर सकता है, ये सारी दुनिया को पता है और पाकिस्तानियों को ये समझना चाहिए, पर ये नहीं समझेंगे इसलिए कि ये जाहिल हैं। और आगे देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में चैनल को शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों। देखिए वर्ल्ड कप जिन्होंने जीतना है, अगर आप उन्हें वीजा नहीं देंगे तो कितनी बुरी बात है, ऐसे कह देता हूँ। जो वर्ल्ड कप जीतने आ रहे हैं आप उन्हें वीजा नहीं दे रहे, आप ज्यादती कर रहे हैं। हाँ बस ये मैं आपको बता दूं, आप वीजा दें, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को वीजा दें, वर्ल्ड कप जीतने आ रही है वो। अच्छा साहब वीजे लगवाए हमारे लड़कों के यार, भाई आप वीजे लगवाओ यार, नहीं चलेगा भाई। वैसे हरवा दिया आपने 228 रन से, एक हरवा दिया, एक आपने बारिश के बाद श्रीलंका से हरवा दिया, वीजे दो। एक दफा बैटिंग लेके भाग गए आप लोग, ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका भैया, ये बैटिंग पूरी चाहिए होती है मेरे कप्तान को, ये बता दूं मैं, ये नहीं बर्दाश्त हो सकता कि मेरे लड़के यहाँ पूरा तैयार हो जाए। यार आपने टीम भेजी आईसीसी को, लड़के आपसे किससे मांगे थे, जी जी बीसीसीआई ने मांगे थे, आईसीसी ने, हाँ भाई बीसीसीआई ने नहीं मांगे थे, आईसीसी ने मांगे थे, तो आप जवाब तो किसी और से नहीं ले सकते आईसीसी के अलावा। भाई ले, अब आप ये कहें कि यार हमने उनसे भी पूछा वो भी रापता नहीं कर रहे, तो भैया वो रापता क्यों करेंगे, वो तो आपसे टीम ही नहीं मांग रहे थे, आईसीसी ने मांगी थी टीम। आपने भी तो, दो महीने पहले ही बता दिया हम जा रहे हैं यार, कहीं ऐसा ना हमारे हमें कटा दे, हमारे बगैर ही हो जाए वर्ल्ड कप, वीजा नहीं मिल रहा, वेस्ट इंडीज फिर बुलाओ, मारो यहाँ पर यार, अपना वर्ल्ड कप रख लो, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप। अब आपने कुछ प्रूफ नहीं करना है, आपने सिर्फ अपनी क्रिकेट खेलनी है, जो आप खेलते हैं उसे अच्छा कह रहे हैं। 120 मीटर का छक्का भी मारेगा बाबर इस टूर्नामेंट में, 120 मीटर भी ठीक है, कम ही बताया तुमने, 150 लिखना चाहिए था, बाबर की बॉल को विक्रम को पकड़ लेना चाहिए, विक्रम साउथ पोल, साउथ पोल तक जाना चाहिए छक्का, बता रहा हूं इनका, हमें वीजा नहीं दे रहा, हमारे प्लेयर उन्हें जो है वो उधर जाके प्रैक्टिस करनी है, लोड़ा मेरा इन्होंने प्रैक्टिस करनी है, यह घंटा बाबर आजम 2 महीने पहले श्रीलंका में जाकर प्रैक्टिस करता रहा, उधर कहता रहा श्रीलंका मेरा दूसरा घर है, इसने लोड़ा किया उधर एशिया कप में, क्या किया है ये, इंडिया में 10 दिन पहले भी चले जाए ना, इन्होंने छनकना भी नहीं पुटना उधर जाके, आपके अबू की, आपके अबू बैठे हुए हैं उधर की, आपकी बात मान ली जाएगी कि आपको 4 घंटों में वीजा दे दिया जाएगा, इस बात का आंसर दो ना मुझे, इस घंटे ने 15 दिन लिए वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करने के लिए, सिर्फ अपने बहनोई हसन अली को डाला टीम में, अरे बोल रहे हैं जी इंडिया ने हमें बोला था कि जी हम आपको जो है वो 24 को जो है वो दे देंगे या 25 को हम आपको दे देंगे वीजा, और 25 को पाकिस्तान टीम इंडिया ट्रेवल कर जाएगी, उन्होंने उस शर्त में बोला था कि आप लोग अपने वर्ल्ड कप की जो टीम है ना
वो 15-16 तक अनाउंस करो। उन्होंने ये नहीं था बोला कि छनकने दिया, लटकना लटकना कर रहे हैं और टीम आपने जो है वो जाके 22 को अनाउंस कर रही है। अब मतलब 22 को टीम अनाउंस कर रहे हो और कह रहे हो कि 23 को आपके हाथ में वीजा दे दिया जाए। वीजा कह रहे हैं कि जी बाबर आजम वर्ल्ड कप में जाके फायर कर देगा, और पहले वीजा तो मिले, पहले वो इंडिया तो जा ले। जो बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड है, उसका तासुबाना रवैया है कि अगर उन्होंने सारी टीम्स को वीजा इशू कर दिए हैं तो पाकिस्तान को वीजा क्यों नहीं इशू किए जा रहे, बल्कि ये तो नेबरहुड कंट्री है, इनको तो पहले से वीजा जारी कर देना चाहिए था ताकि वो वहाँ पे आएं और सैरो सियाहत भी करें, लोगों को इन्वॉल्व करें खेल के अंदर, और जो मनफी बातें हैं उसकी नफी करें और पॉजिटिविटी को लेके आगे बढ़े। इंडिया वालों घबराओ नहीं, हम पाकिस्तानी हैं और इंशाल्लाह हम आ रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि हम आईसीसी वाले भी इसका नोटिस लेंगे कि क्या हमारा वीजा आपने लेट क्यों किया है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत के आएगा इंशाल्लाह। एशिया कप हमने आपको दे दिया है ना, चलो भाई कोई बात नहीं, लव यू। हमने कहा भी श्रीलंका खेले, लेकिन इंशाल्लाह अभी हमारे शहनशाह अफरीदी भी फिट हैं और आरिस रूफ भी फिट हैं, और हमारी जो ऑलराउंडिंग है ना वो भी बड़ी फिटिंग, और इंशाल्लाह बाबर आजम फखर जमान आप तक कर देंगे इंडिया वाले नुकसान। पाकिस्तान टीम का इंडिया में पांव रखना इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, कौम के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए नहीं, टीम के लिए उनकी। उनको पता है कि पाकिस्तान ने आगे ठोकना है और ऐसा ठोकना है कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, तो ये वजह है। दूसरी बात है सिक्योरिटी की, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम बेबाक लोग हैं, बुजुर्ग लोग नहीं, बहादुर कौम है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने हर मौके पर दफा किया है। बिल्कुल ही नामुनासिब, और मैं कहना चाहता हूँ इखलाक से गिरी हुई बात है, जहाँ पे आपने सारी टीमों के मतलब आप उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं, डेफिनेटली आपने पाकिस्तान टीम का भी बैकग्राउंड चेक किया होगा, और उनमें से जो स्टाफ के लोग होते हैं बहुत सारे चेहरे जो हैं वो भारतीय बोर्ड के लिए जाने पहचाने लोग हैं। दोस्तों आप लोगों ने जैसा देखा वीडियो में कि पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया दोनों ही बात कर रहे हैं कि हमें इंडिया डर रहा है, हम सितम नहीं दे रहा है, हमें वीजा और वही हालत वाली बातें। अभी एशिया कप बीता है, अभी मुश्किल से 10 दिन भी नहीं हुए या 1 हफ्ते भी नहीं हुए, अभी पाकिस्तान को एक तरफा 228 रनों के अंतर से हराया इंडिया ने और पाकिस्तानी टीम को जलील किया, फिर भी पाकिस्तानी अभी उतनी डींगे हाँक रहे हैं कि हम लोग ही जीतेंगे अगर हम लोग जाएंगे तो ये पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि इंडिया के सामने वो समय कुछ नहीं है। इंडिया इस समय वनडे T20 टेस्ट ये पहली बार हुआ है इंडिया के इतिहास में, और साउथ अफ्रीका के बाद इंडिया ये दूसरी टीम बनी है कि जो तीनों ही फॉर्मेट में नंबर वन रह चुकी है, तो ये पाकिस्तान समझ नहीं पाएगा, इसलिए कि वो वनडे में कैसे तो छोटी टीमों को हरा के अगर नंबर वन हो गए थे तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, पर उनका औकात उनकी पता चल गई एशिया कप में, सुपर फोर में टॉप फोर में ये चौथे नंबर पर थे, तो ये है इनके असली औकात। तो यही था इस वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।